तो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज आपके सामने जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीजें हम देने वाले हैं जो आप अगर आप हाई स्कूल में हैं तो इसमें से 2 अंक पाएंगे। अब बोलेंगे सर 2 अंक क्या करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि 2 अंक आपके लिए क्या जरूरी नहीं है। 2 अंक आप लीजिए, बहुत ही अब बताइए, जिसमें मेहनत ना हो 2 अंक अगर आप पा रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको, बताइए। इसमें कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं, कोई चीज लर्न नहीं करना है आपको, याद करने वाली चीज नहीं है, इंग्लिश है बट आपको लर्न नहीं करना है। थोड़ा सा क्या है कि ट्रिक के सहारे से, एक टेक्निक के सहारे से, एक कहने का मतलब आपको समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के एक आपका एक बहुत ही बड़ी जड़ी है, इसको अगर आप सीख लेंगे ना, इतना ही जान लेंगे तो हो सकता है आप 2 अंक पा जाए। देखिए कोई गारंटी भी नहीं, ऐसा कोई नहीं ले सकता है, फिर भी आप ट्राई करिएगा। यहाँ पर क्या है, पंचुएशन है। पंचुएशन को आपको कैसे करना है, यहाँ पर इतना ही फार्मूला हमने लिखा है, इतने फार्मूले को आप मैं समझाऊंगा और इसी फार्मूले का यूज करके आपके सामने एग्जांपल करूंगा और खुद आपको एक मैं होमवर्क भी दूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको अपने घर पर ट्राई करना, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर जाए। चलिए देखिए, पंचुएशन जो बता रहे हैं 2 मार्क का आपको मिलेगा। इसको हम नाम दे देते हैं चिन्हों का प्रयोग, इसका हम नाम दे देते हैं, समझ लीजिए, चिन्हों का सही यूज, चिन्हों का सही यूज, कुछ इस तरीके से इसका हम नामकरण कर देते हैं, चिन्हों का और कैरेक्टर्स का, ठीक है, चिन्हों और अक्षर का सही यूज हम कर रहे हैं। तो अब दिमाग में बैठ गया कि सही चिन्ह लगाएंगे और सही अक्षर भी लिखेंगे, अक्षर जहां सही जो लिखना चाहिए वो लिखेंगे। पहला, यहाँ पर ये सारे चिन्ह हैं, यहाँ पर आपका कुछ यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सारे कुछ चिन्ह हैं, ठीक है, ये सारे कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉमा, आपका इन्वर्टेड कॉमा, आपका कॉलन, सेमी कॉलन, सभी हैं यहाँ पर, आपका करेक्ट लेटर यूजेज, ये इतने फार्मूले आपको, मतलब ये तो आपको ये सभी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो करेक्ट लेटर लेटर भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इतनी चीजें आपको समझना है। पहला रूल देखिए, पहला रूल हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले रूल में बोला जा रहा है कि सबसे पहला काम कि आपको जो नाम होता है, आपका जो नाम होता है, नाम में जैसे आपका किसी का व्यक्ति का नाम आ गया, कोई स्थान का नाम आ गया, कोई फेमस थिंग्स आ गई, कोई मतलब स्पेशल थिंग आ गई, जैसे कि आपका कोई बुक आ गई फेमस आपका है, जैसे रामायण है आपका, कुरान है आपका, कुछ भी हो जो भी आपका है फेमस, उसका फेमस दे। अब यही चीज नहीं है, कोई एक्चुअल आपका हो जाता है जो फेमस हो, मतलब स्पेशल के तौर पर यूज किया जाए, तो उसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका भी कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। ये कैपिटल लेटर वाला फंडा है, कैपिटल लेटर वाला फंडा यहाँ पर बताया जा रहा है। कैपिटल लेटर में कितनी चीजें करना पड़ेगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सभी कैपिटल लेटर में लिखना है। क्या क्या कैपिटल लेटर में, कोई भी नाम आ रहा है, व्यक्ति क्या या कोई भी वस्तु, सारी चीजें, इनका अगर नाम आ रहा है कहीं पर भी आ रहा है, आप उनका पहला कैरेक्टर उसमें का पहला लेटर बड़े में लिखिएगा। कौन सा लेटर, पहला लेटर, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने पहला लिखना भूल गया हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला लेटर, कौन सा पहला लेटर आपको कैसे लिखना है, कैपिटल में लिखना, बड़े में, किसमें, आपका जब ये सवाल है तो वाक्य का सबसे पहला लेटर जो हो, पहला लेटर वो भी कैपिटल में लिखना है, किसमें लिखना है, कैपिटल में। जो आपका पहला लेटर आए, जो कोई वाक्य शुरू करे, सेंटेंस आप शुरू कर रहे हैं ना, तो उसमें का जो पहला कैरेक्टर लिखे वो कैपिटल में लिखना है, ध्यान देना, वो कैपिटल में आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर है आपका आई, जो आपका आई होता है, आई को भी हमेशा कैपिटल में लिखना है, मतलब ऐसा यूज नहीं, ठीक है। बाकी चिन्ह जो है, अब आप समझिए, कोई बात आप बोल रहे हैं ऐसा, देखो बोलने में आपको ब्रेक लगता है थोड़ा सा, जैसे बोल रहे हैं कि श्याम ने कहा कि मुझे घर जाना है, श्याम ने कहा, अब बात चेंज हो गई ना, श्याम ने कहा कि मुझे घर जाना है, तो कि मुझे घर जाना है, यहाँ से बात को चेंज कर रहा है, तो जहां चेंज कर रहा है यहाँ पर कोई चिन्हों का प्रयोग होगा, यहाँ पर कोई उचित चिन्ह का प्रयोग होगा, वही चिन्ह जो लगाना होगा। अब यहाँ पर श्याम ने कहा कि मुझे घर जाना है, मतलब सेंटेंस वहां पूरा हो गया, वहां सेंटेंस पूरा हो गया तो वहां भी पूरा करने के लिए कोई चिन्ह लगाया जाएगा, मतलब जैसे आप पूर्ण विराम लगा देंगे हिंदी, उसी तरीके से इंग्लिश में आप फुल स्टॉप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं कोई सेंटेंस में, मतलब रुक जा रहे हैं, तो आप उसमें क्या लगाएं, कॉमा लगा दीजिए कि रुक रुक करके हम कुछ बता रहे, जैसे राम और कॉमा लगा रहीम, और रुक रुक करके बोल रहे उसमें कॉमा लगा देंगे। कोई कथन बोला जा रहा है, कोई कथन बोला जा रहा है, कुछ ऐसे कि राम ने कहा कि वह ऐसा ऐसा था, तो राम ने बोला, वो कथन कोई स्टेटमेंट दिया ना कि वो ऐसा है, तो स्टेटमेंट जब दिया जाए तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा भी लिखेंगे, जो कि इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पर आपका ये इन्वर्टेड कॉमा, इसका यूज करेंगे। बाकी जो छोटा सा विराम हो, अर्ध विराम, आप कॉमा का यूज करेंगे। जब कोई क्वेश्चन मार्क आए,
सॉरी क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, क्या, कैसे, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरीके के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं, वो आ जाए तो वो समझ लो इसको लगाना है। डब्ल्यू एच वाले वर्ड नहीं आ रहा है, फिर भी आपका जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए, डब्ल्यू एच वाला नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है, किसमें, शुरू में आ रहा है, तब मतलब जो सेंटेंस शुरू हो वहां शुरू में आ जा रहा है, तब भी आपका इंट्रोगेशन का चिन्ह लगेगा, यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। उसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा, याद रखना, ठीक है। सेंटेंस जब पूरा हो जाए, फिर सेंटेंस शुरू होने को लगे, तब भी उसका कैरेक्टर पहले लेटर को जो होगा आपका फर्स्ट बड़ा होगा। कभी भी सेट टू आ रहा है, आस्क्ड आ रहा है, टोल्ड, रोट, कोई बात कही जा रही, जिसको बोलते हैं कि उसने कहा, उसने बताया, उसने लिखा, वैसा कोई वचन बोला जाए, जैसे अरस्तु ने लिखा था, तो अरस्तु ने कहा था, लिखा था, कहा था, बात ही की हुई ना, तो वहां पर कहना कि न छोड़ करके अगर उसमें लिखना आ जाए, तब भी रोट भी आ जा रहा है, तब भी, तो इन सब को जब ऐसी चर्चा होती है, तो इसका मतलब वो कोई कथन बोला जाए, और कथन को हमेशा कैसे लिखना है, इस कामा के अंदर, इनवर्टेड कामा के अंदर जो ये वाला है इसके अंदर रखना है। इतनी बातें समझ लिए तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। अभी आप गर्दा करते चलेंगे, एकदम पक्का गर्दा कर देंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, चलिए हमारा पहला यहाँ पर ये है, ये हमारा गलत वर्ड है, ये हमारा क्या है, गलत, मतलब हमारा ये गलत है, ये आपको बुक में मिले, मतलब पेपर में आपको ये वाला मिलने वाला है, पेपर में आपको जो मिलने वाला है ये वाला पेपर में मिलेगा, और इसको आपको क्या करना है, पंचुएट करना, मतलब इसको हमें सही लिखना है। तो मैंने जो जो रूल बताया था, सबसे पहले बोला था कि सेंटेंस जब शुरू हो रहा है तो उसको आप पहला कैरेक्टर बड़े में लिखिए, तो यहाँ पर ही का देख रहे हैं छोटे में, इसको आप बड़ा कर दीजिए, हो गया ना बड़ा। फिर चल रहे हैं रोट, ही रोट, उसने मतलब लिखा, उसने कहा, रोट आ गया ना, जब रोट आ गया इसका मतलब स्टेटमेंट दे रहा, और जब स्टेटमेंट दे रहा तो उसको कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे, मतलब हम यहाँ के बाद हम कामा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगेंगे, जहाँ कामा लगाना छूट गया है तो इन्वर्टेड कामा यहाँ पर लगा हुआ है। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर ये पूरा पूरा सेंटेंस जहां तक बात बोली जा रही है वहां तक रखेंगे, जैसे यहाँ पर आई है, आई मैंने बोला ऑलवेज, आई जो आएगा चाहे जहां पर भी आए वो हमारा कैपिटल लेटर में होगा, तो इसको हम आई को बड़ा लेटर में कर दिए। यहाँ पर कांट है, सी एन टी, तो कांट ऐसे नहीं लिखा जाता, कैन नाट होता है, इसको कांट को क्या बोलते हैं, कैन नाट, और कैन नाट को आप इस तरह के लिखेंगे, कांट शॉर्टकट में जो हमारा उसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम कांट को इस तरह लिखिए, इस तरह लिखेंगे, ये करेक्ट हो गया। कम को कम रहने दिए, बिकॉज को बिकॉज रहने दिए, आई फिर से आ गया छोटे लेटर में, इसको बड़ा करिए, एम कैम रहने दिए, इल कैम रहने दिए, उसके बाद यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं दी गई है अभी, मतलब ऐसा लग रहा है सेंटेंस तो खत्म नहीं हुआ है, पर सेंटेंस तो खत्म हो गया, जब सब खत्म हो गया इसका मतलब वहां पर रोक, तो रोक देने के लिए पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दी। इतनी कमियां थी, क्या क्या कमियां थी, पहला लेटर इसमें छोटा था, जो आपका सेंटेंस था आई छोटा था जहां जहां पर यूजेड था, उसके बाद हमारा कैंट का जो हमारा ऊपर से कॉमा लगता है, जो हमारा मतलब हाइफन वाला, एपोस्ट्रॉफी वाला लगता है, वो नहीं है, उसको लगाया गया, बस यही था। इस तरीके से हमारा करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा, देख रहे दूसरा हैव फेथ इन द आलमाइटी, देखिए हैव फेथ इन आलमाइटी, जैसे इसमें पहले से आपका ये होता था, ही रोट वाला जो था, जो कथन बोल रहा है उसको आगे लिखा है, कभी जो बोलने वाला कथन बोलने वाला हो तो पीछे रहता है, कहाँ रहता है, सेंटेंस में पीछे साइड रहता है, तो जब सेंटेंस में पीछे साइड हो तब उसको समझते हैं, आगे साइड उसको दोनों साइड होता था इसलिए, तो यहाँ पर समझते हैं फेथ, हैव जो है पहले स्टार्ट है, पहला अक्षर बड़े से कर दिए, फेथ है कोई दिक्कत नहीं, इन है कोई दिक्कत नहीं, ता है कोई दिक्कत, आलमाइटी जो है एक स्पेशल सेंटेंस है, ठीक है। तो ऑलमाइटी का पहला कैरेक्टर आपका ए जो होगा वो बड़े में होगा, कैसे होगा, बड़े में, उसके बाद यहाँ पर आपका एक सेंटेंस पूरा हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट हिम ऑलवेज, हमें उस पर हमेशा विश्वास ही करना चाहिए उन पर, तो क्या होगा, ट्रस्ट के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाने के बाद, यानी कि फुल स्टॉप लगाने के बाद, ट्रस्ट का फिर से कैपिटल लेटर में, मतलब यहाँ सेंटेंस फिर से स्टार्ट हो गया पूरा यहाँ लगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएगा, इसमें नहीं लगा था तो इसमें हमने लगा दिया, ये चर्चा हो, मतलब ये हमारा था। चलते हैं अगले पेज पर, यहाँ पर देखिए कुछ चीजें लिखा है, ठीक है, चलिए यहां पर करेक्ट हो गया। तो देखिए यहां पर पहला सेंटेंस क्या है आपका, ये वाला कि आई सेड टू माई मदर, आई सेड टू माई मदर, देखिए ये आई सेड टू आया ना, सेड टू के बाद जिससे बोल रहा है, और वो तो पूरा होने दीजिए किससे बोल रहा है, उसके बाद जितना स्टेटमेंट दे रहा है उसको अपने मटेरियल काम में रखिए। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि प्लीज प्लीज गिव मी 200 रुपीज, ठीक है, बोल रहा है कि प्लीज गिव मी 200 रुपीज, तो यहाँ पर देखिए यहाँ के बाद कामा लगाया था, इन्वर्टेड कामा, ये है आई पहले छोटे लेटर में था उसको बड़ा लिखा गया, फिर सेट टू माई मदर, मदर के बाद यहाँ पर ये कथन बोल रहा है कि अब यहाँ से क्या बोला कि उस मैंने अपनी माता से कहा कि प्लीज गिव मी 200 रुपीज, मतलब मुझे 200 रुपए
दीजिए तो कृपया करके मुझे दूसरा, जब कृपया आ रहा है प्लीज आ रहा है, प्लीज का पहला कैरेक्टर बड़े में होगा और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, जब कथन मैंने बोला स्टेटमेंट जो हमारा वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ पर ये वाला रख दिएगा, इसको यहाँ से चालू करिए और उधर साइड आप इसको बंद कर दीजिए, यहाँ बंद होगा भी, यहाँ पर रुपीज हो गया, आई फिर से आई आ गया, फिर आई यहाँ पर बड़े लेटर में है, अच्छी बात है, नहीं होता छोटे होता तो भी बड़ा लिखते, बेस्ट टू परचेज ए डिक्शनरी, कोई दिक्कत नहीं, डिक्शनरी तो लिखिए, फुल स्टॉप लगाइए आप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, बस यही काम था। अगर हम अगला सेंटेंस बोलते हैं, हाउ डज दिस मशीन वर्क, हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क द बॉयज, आस्क द बॉय, देखिए मैंने बोला था कि सेट टू, आस्क द रोट, ये सब कहाँ है, आगे आए पीछे आए, पर वो किसी न किसी से कहेगा उसको छोड़ने के बाद जितना बच रहा है इन्वर्टेड कॉमा, तो आस्क द बॉय मतलब जो बच्चा था वो पूछ रहा है, वो कह रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कामा लगा के यूजेज करेंगे, यहाँ पर मैंने कामा लगा करके समझ करके मैंने यूजेस किया और पूरा का पूरा इतना सेंटेंस मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया। हाउ का पहला कैरेक्टर बड़े से, जब हाउ आ गया मतलब प्रश्नवाचक आ गया, और प्रश्नवाचक आ गया तो पता है कि रूल इसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के इन्वर्टेड कॉमा को पैक कर देना है, बंद कर देना, बाकी जो कैरेक्टर्स हो मतलब अक्षर हो उसको आप सही कर दीजिए रूल के हिसाब से। तो आस्क द बॉयज ये था। इसके बाद चलते हैं अगले पेज पर, हमारा अगला पेज यहाँ पर है ये, ही सेड टू हिज टीचर आई कैन नॉट, यानी कैन नॉट राइट इंग्लिश, तो अब दिमाग बैठाइए, फिर आ गया यहाँ पर सेट टू, और सेट टू आ गया तो मैंने बोला सेट टू के बाद जिससे कह रहा है उसको छोड़ने के बाद पूरा सेंटेंस आया, पता कोई इसका स्टेटमेंट आएगा उसको आप क्या करना है इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर ही सेड टू हिज टीचर, ही जो है ही का कैरेक्टर बड़े में लिखना है, तो इसको क्या करना है आप बड़े में लिख दीजिए, और बड़े में लिखने के बाद आपको क्या करना है उसको बाद उसको सेट कर देना, बस वही चीज। तो यहाँ पर देखिए सेट टू सेट रहने दे, ही को ही रहने, हिज को रहने दे, टीचर रहने दे, अब यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा यूजेस, क्योंकि इतना सेंटेंस कामा इन्वर्टेड कामा, और आई छोटे में था तो आई को बड़े में कर दिया गया, कैन नॉट जो कनट था इसको हमने कैन नॉट में कर दिया, या कांट कर सकते थे दो करना, या तो कैन नॉट करिए या तो कांट कर दिए, पर इस तरह मत करिए ना, इस तरह नहीं करिए गलत है ना। तो राइट इंग्लिश, इंग्लिश जो है इंग्लिश क्या है आपकी बुक है, स्पेशल बुक है इंग्लिश की, तो उसको हमें ई कैरेक्टर हमारा बड़ा से लिखना पड़ेगा, तो ये बड़ा हो गया, बस यही था। ये हमारा होमवर्क के रूम है कि रमन सेड टू मी, मुझसे कह रहा है, तो मैं नो योर नेम भोला आई सेड, इसके बाद है आई सेड, यहाँ इसके बाद है आपका आई सेड, तो ये आपको होमवर्क के रूप में है और कमेंट बॉक्स में इसको दे देना है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको पहले नोट कर लिया है, ताकि देखिए हमें समझाने से मतलब है, क्योंकि अभी लिखते टाइम होता तो बताइए क्या कैसा लगा वीडियो, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पता है कि अगर आप जी देखिए आपको क्या करना है बहुत सारी प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का 2 अंक पाएंगे, अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैं यहाँ पर दिखा दूंगा भी आपको बाद में, पेपर आने से पहले पहले इसको मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा तो आपको शायद हो भी जाएगा, नहीं तो अपने बुक में कहीं पर भी होगा तो जहां पर भी होगा आप ढूंढ लीजिएगा मिल जाएगा, पंचुएशन आपको वहां से करके ट्राई करिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेगा, मेरे सेकंड चैनल को भी देख लेना मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ वगैरह वहां पर देते रहते हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देंगी, और एक बात बताता हूँ अगर इंग्लिश में एकदम कमजोर है तो जरूर हमारे प्लेलिस्ट चेक करिए, 4-5 प्लेलिस्ट है, अच्छा प्लेलिस्ट है इंग्लिश रिलेटेड, अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट चेक करिए, जैसे भी आपकी स्टेज है जैसे आप लेवल पर है उसी तरीके से प्लेलिस्ट चेक करिए, एकदम जोर जोर कर शब्दों से लिखना पढ़ना हम सिखा रहे हैं वो सारी चीजें सीख लीजिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर जरूर रहिए, क्योंकि बेसिक पता है बेसिक जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, और बेसिक नहीं पता तो कोई भी स्ट्रांग नहीं टोटल रॉन्ग होगा। ओके चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में।